तीन तलाक बिल आज एक बार फिर से लोकसभा में पास हो गया है। हालांकि कांग्रेस वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर गई और उसके साथ बहुत सारी बाकी पार्टियां, वो इस बात पर अड़ी थी कि बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाए। आज दिन भर इस पर बहस हुई। हम आपके लिए उसी बहस का एक स्पेशल सेगमेंट बनाकर सामने लेकर आए हैं। आप इसे देखेंगे तो दिन भर जो कुछ भी हुआ सदन में, जो बहस हुई, वो आपको पता लग जाएगी। जनवरी 17 से 10 दिसंबर तक देश में 477 तीन तलाक के वार्ताएं हुई। पट्टी ने रोटी काली बनाई तो तीन तलाक, पट्टी मोटी है तो तीन तलाक, एक वकील साहब ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया कि तुम वकालत नहीं करोगी, वो भी वकील थी, एक प्रोफेसर साहब ने व्हाट्सएप से दिया तीन तलाक, और सबसे तो रोचक है अध्यक्ष महोदया, एक मुस्लिम महिला मोदी जी के इंसाफ की रैली में गई तीन तलाक के ऊपर, तो लौट के आई तो पति ने उसको तीन तलाक दे दिया। दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में भी तीन तलाक को नियंत्रित किया गया है, और भारत तो सेक्युलर मुल्क है, तो फिर यहाँ पर आपत्ति क्यों होती है? What is different here? Today, when it comes to a Muslim male, you are criminalizing it. This law, madam, this law is not about empowering a Muslim woman. This law is about penalizing a Muslim man. वो लोग जो इस दृष्टि से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कि इसको क्रिमिनलिटी की नजर से क्यों देखा जाए, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस का इतिहास देखा जाए तो दूसरे खलीफ के सामने पहली बार ऐसा केस आया जब पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपने क्या इस प्रकार से तलाक दिया है, और जब व्यक्ति ने स्वीकारा तो उस वक्त दूसरे खलीफ के उस वक्त उनको 40 कोड़ों की सजा सुनाई गई। इसका मतलब इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। सुप्रीम कोर्ट हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी साहब, कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। मैडम, साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपके तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे, ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला है मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए, आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है, मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है, कोई मर जाता है, तो 2 साल की सजा। मगर मकसद क्या है कि जेल को भिजाना, इनको खवातीन से मोहब्बत नहीं है। यह आपत्ति सिर्फ 3 तलाक पर ही क्यों उठाई जा रही है? और यही बात जो स्मृति जी ने उठाई थी और हमारे मुख्तार भाई ने कही थी, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है वोट बैंक की, न्याय इंसाफ की बात नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बहुत लोगों ने सवाल किया, हम पूरी प्रामाणिकता से हम कहना चाहते हैं, यह पूरा मसला न किसी कौम को टारगेट करने का नहीं है, यह पूरा मसला किसी संप्रदाय को वोट बैंक के लिए घेरने का नहीं है। यह तो बिल मैडम महिलाओं के नाम से जो लाया गया है, ये समाज को डिवाइड करने का बिल है, और दूसरा ये बिल संविधान के बहुत से सिद्धांतों के खिलाफ है। इसीलिए मेरा कहना इतना ही है कि सभी लोगों का मत है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजना, चाहे वो AIDMK हो, चाहे BJD हो, TMC हो, CPM, CPI हो, मुस्लिम लीग हो, सभी इस बात को अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ पर बैठ के उनके भाषण सुनने के लिए नहीं आए, हमारी बात को मनवाने के लिए आए। अगर ये बात नहीं मानते हैं तो हम वॉकआउट करते हैं। गजब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अगस्त में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया था।
उस फैसले को आए कितना टाइम हो गया, 1 साल 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस कुरीति को खत्म अभी तक नहीं किया जा सका है। वजह पता है आपको, सरकार और विपक्ष की ईमानदार इच्छा शक्ति, विल पावर की कमी। सरकार नीति पर अटकी रही, विपक्ष खराब नीयत का बहाना बनाता रहा, और इस बीच क्या होता रहा, मुस्लिम औरतों का ट्रिपल तलाक से संघर्ष, स्ट्रगल बढ़ता रहा, मास्टर स्ट्रोक। समाज की कुरीति पर राजनीति सच में भारी पड़ गई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।